किस मंडी में आई है नई सोयाबीन और क्या भाव बिकी है? सोयाबीन तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपके YouTube चैनल मंडी बाजार भाव अपडेट पर। वहीं बात करें किसान साथियों, तो सप्लाई और डिमांड को देखकर सोयाबीन में बड़ी और टिकाऊ तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। डिमांड से अधिक सप्लाई होने की वजह से सोया तेल की तेजी सीमित दायरे में ही बनी हुई है। सितंबर अंत से अक्टूबर में त्योहारों की शुरुआत होने से डिमांड सुधरने की उम्मीद थी। महाराष्ट्र के सांगली में भी नई सोयाबीन की आवक का श्री गणेश हुआ है। नया सोयाबीन 18 से 24% तक नमी युक्त है। नया सोयाबीन का भाव क्वालिटी अनुसार 5100 रुपये से लेकर 5800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिल रहा है। सोया तेल और DOC के भाव में कमजोरी से प्लांटों की खरीदारी कमजोर पड़ी हुई है। देश में 199.34 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई है, जिसमें से बाढ़ और बारिश की वजह से 5 से 10% तक सोयाबीन फसल को नुकसान हुआ है। मौजूदा बकाया स्टॉक भी नई फसल आने के पहले तक पर्याप्त है। सप्लाई और डिमांड को देखकर सोयाबीन में बड़ी और टिकाऊ तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है और अगस्त सितंबर में 5.5 लाख हेक्टेयर सोया तेल आयात होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।